नमस्कार साथियों, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं और भारतवर्ष को आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष हो चुके हैं और इस वर्ष भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत वर्ष मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है और राष्ट्र को सांस्कृतिक, आर्थिक और सर्वांगीण उत्थान हेतु युवाओं में और जनमानस में जोश भरा जा रहा है। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में आने वाले इस 15 अगस्त को हम हर्षोल्लास से मनाएं। इसके लिए आप सभी को अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम सब आज़ाद देश के वासी हैं और देश भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ वहाँ के प्रशासन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा और वहाँ के जन समुदाय की आपसी एकता पर सुदृढ़ आकार लेता है। मास्टर गोलवलकर साहब की इस परिभाषा में भारत देश की संस्कृति, यहाँ का जन समुदाय, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का भौगोलिक भूभाग और हमारी राजनीतिक व्यवस्था का एक साथ समन्वय किया गया है। इसीलिए हम एक रहें, हमेशा अखंड रहें, यही प्रण इस उत्सव पर लेते हैं और इसी उम्मीद के साथ एक बार आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं। मूल विषय पर आता हूं। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के द्वारा इस वर्ष आयोजित किए जा रहे 75 व्याख्यान के अंतर्गत मैं संस्कृति विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूँ। संस्कृति शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का अर्थ है माजना, परिष्कृत करना, शुद्ध करना, निखार करके दूसरों के सामने रखना। संस्कृत शब्द में ही ई प्रत्यय जुड़ जाने पर संस्कृति शब्द बना है और यह हमारे जीवन के साथ यानी भारतीयता के साथ और भारतीय जीवन के साथ जुड़ा हुआ ऐसा शब्द है जिसे हम अविच्छिन्न रूप से देख सकते हैं। प्रातःकाल उठने से लेकर के पूरे दिन भर के कामकाज और शाम की सुरमई वेला में पक्षियों की आवाज़ और उसके बाद रात्रि में भी हम अपनी संस्कृति की झलक देखते हैं। भारतीय संस्कृति बहुत विराट संस्कृति है, बहुत ही विशाल हृदय वाली संस्कृति है। इसका प्रांगण इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है और इतना पावन है कि हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के जैसलमेर तक फैले इस व्यापक भूभाग में जो भी भाषाएं बोली जाती है, जो भी बोलियां बोली जाती है, जितना भी साहित्य लिखा गया है, जितने भी लोग रहते हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय, विभिन्न वेशभूषा पहनने वाले लोग, विभिन्न खान पान के लोग, प्रकृति की विविधता, ये सब हमारी संस्कृति है।
मूलतः हमारी संस्कृति हमारी मानस विचारणाओं पर आधारित है। अगर मैं भरदत्त आनंद कौशल्यायन जी के शब्दों में कहूँ तो संस्कृति मानव के मन में उठने वाला वह पावन विचार है जिसमें जन कल्याण निहित रहता है, अर्थात मनुष्य मात्र के मस्तिष्क में उठने वाला वह विचार, वह अंतश्चेतना की प्रवृत्ति जिसमें सभी जीव जंतुओं का और मानव मात्र का कल्याण निहित हो, संस्कृति है। यही जब बाहर प्रकट होता है वाणी के रूप में, वस्तु के रूप में आकार लेता है, तो सभ्यता का प्रतीक बन जाता है। और जब विचार ही कल्याणकारी है तो उसके बाद बनने वाली जो वस्तुएं हैं, उसका उपयोग करने वाले जो व्यक्ति हैं, बोलचाल की शब्दावली में जब वे विचार प्रकट होते हैं तो कल्याणकारी ही होंगे। और हमारे ऋषि मुनियों से लेकर के दूर दराज के घने जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले ठेठ आदिम जीवन को जीने वाले हमारे साथी संस्कृति की जीवंत मिसाल है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं और संस्कृतियों में शुमार भारतीय संस्कृति समन्वय की विराट चेष्टा के साथ आज भी विश्व में सिरमौर बनी हुई है। इतनी जातियां, इतने धर्म, इतने वर्ग, इतने संप्रदाय, इतनी उपजातियां शायद ही किसी देश में होगी जितनी भारतवर्ष में है। फिर भी हम वैचारिक रूप से एक हैं, हमारे आचार विचार एक हैं, हमारे उठने बैठने के तरीके एक हैं, हमारी वेशभूषा भले अलग हो, हमारे जीवन जीने के जो खान पान के तरीके हैं वो थोड़े अलग अलग हों, लेकिन ये सब मिलकर एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। और संस्कृति चूंकि एक विचार है जिसमें कल्याण की भावना सन्निहित है, तो वह हमेशा जीवित रहेगी और जीवित है। पिछले काफी वर्षों से या इतिहास की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति के संदर्भ में जो हमारे पूर्वजों की मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, पहनावा, उठना बैठना, सोने जागने, बोलने के, अभिवादन के जितने भी तौर तरीके रहे हैं, वो सब हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। पहले भी श्रेष्ठ थे ये, क्योंकि प्राकृतिक जीवन में हम सांस लेते हैं, हमारी शिक्षा पद्धति तक प्राकृतिक जीवन से शुरू होती थी, हमारा सूर्य नमस्कार, हमारा सूर्य को जल अर्पित करना, चंद्रमा को जल अर्पित करना, पवन तक को देवता मान लेना, जल को देवता मान लेना, भूमि को माँ मानना, नदियों को अपनी माँ मानना, ये किसी संस्कृति का हिस्सा अगर है तो ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमें इतनी समृद्ध विरासत उत्तराधिकार के रूप में मिली है, हम इसमें खुलकर सांस ले रहे हैं, हम इसको येन केन प्रकारेण, हम अपने अपने हिसाब से जीवन जीते हुए इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि संस्कृति में आखिर आता क्या क्या है। संस्कृति में विशेषतया जो बात मैंने पहले भी कही है, अभी रहन सहन, खान पान, उठने बैठने, विचारों के आदान प्रदान करने के
सांसारिक जीवन को जीने के लिए जो सलीके हैं, तरीके हैं, जो वैभवशाली विचार हैं, जो मानवीय संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है, हमारी आत्मा जिन कार्यों के लिए गवाही देती है, ये सब भ्रातृत्व की भावना के साथ संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये तो असीमित है। हम उसे कुछ बिंदुओं में अवश्य बांध लेंगे या बांध लेते हैं, लेकिन उसका वर्णन करना और उसका बखान करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। जैसे समन्वय की विराट चेष्टा, अगर इस पर बोला जाए तो समन्वय शब्द ही इतना विशाल है, इतना उदात्त है कि उसमें विश्व की वे सारी बातें आ जाती है, अच्छी बातें जो सभी संस्कृतियों में, सभी धर्मों में विद्यमान है और उनसे पहले भारतीय जीवन का हिस्सा थी, आज भी है। उगते हुए सूर्य को आश्चर्य से देख करके प्रणाम करना, उनका जलाभिषेक करना और सूरज के ढलते ही चंद्रमा का उदय होना, उसे विस्मयकारी आंखों से देखना, उसकी शीतलता का अनुभव करना, उसकी चांदनी में हर एक दिन भर जलती हुई वस्तु का शीतल हो जाना, ये हमारे पूर्वजों के लिए आश्चर्यकारी रहा है और इसीलिए उन्होंने सूर्य और चंद्र को सनातन देवता मान लिया कि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। फिर पावन हिमालय को हमने पिता मान लिया कि पिता जिस तरह से हमारा पालन पोषण करता है, हमारे कष्ट सहन करता है, हमारी कठोर वाणी में बोल करके भी सुरक्षा करता है और हमारे जीवन को एक दिशा देता है, ठीक हिमालय को देखकर हमें देवादिदेव शिव की याद आती है जो हमें दिशा देते हैं, जगत का कल्याण करते हैं, शीतल रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं और ठीक हिमालय भी शांत रह करके हमें अनेक जड़ी बूटियाँ, अनेक नदियों को पानी, हमारी पावन धरा को पानी प्रदान करता है, करता रहा है और अभी भी कर रहा है और भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहेगा। कितनी नदियाँ हिमालय की कंदराओं से, हिमालय के हृदय से फूट करके निकलती है और जब वो जर जर झरती हुई हमारी प्रकृति में झरने का रूप धारण करती है तो उसे देख करके हमारा अंग अंग खिल उठता है और हम श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से उस झरने तक को प्रणाम करते हैं और उसमें स्नान करके अपने आप को अंतर बाह्य रूप से शीतलता का अनुभव करवाते हैं और करते हैं। नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी, सतलुज, जेलम, सिंधु। मध्य भारत की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती, गोदावरी और दक्षिण भारत की बात करें तो कृष्णा और कावेरी। इतनी नदियां हैं जो हमारी प्राकृतिक स्थली और पहाड़ों से निकल करके हमें और वनों को जीवन दान देती है, प्राणी मात्र को जीवन दान देती है, हम इनकी पूजा करते हैं। पूर्णिमा के दिन लाखों लोग नदियों में जाकर स्नान करते हैं। एकादशी का व्रत खोलने से पहले लोग अपने आप शरीर और आत्मा को पवित्र करने के लिए वहां जाते हैं और स्नान करके, नदी को प्रणाम करके, उसके जल का आचमन करके अपने व्रत और नियम को पूर्ण करना मानते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि यह नदियां सदियों से बह रही है और आज भी निरंतर है, अजस्र है, हमें जीवन दान दे रही है और प्रकृति का रूप संवार रही है। उसी प्रकृति में हम नीम तक को पूजते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति है।
हमारी संस्कृति में प्रकृति को केवल प्रकृति और पेड़ पौधे नहीं माना गया है, नदियों को केवल नदी नहीं माना गया है, इनमें हमने सजीवता देखी है, मानव की छाया देखी है और देखते हैं, और जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने हमें सिखाया, हम आज भी उसका अनुकरण करते हैं। और यही कारण है कि जितने भी हमारे तीज त्योहार आते हैं, जितने भी लोक नृत्य हैं, उनमें भी इनको देवी देवताओं के तुल्य माना गया है। यहाँ की हवा जो हिमाद्री से बहती है, वो शीतलता का रूप धारण करके बसंत की बयार बन जाती है, और हम उसे बसंत राज कह देते हैं। किसी देश में शायद ही ऐसी संस्कृति होगी जो ऋतु को राजा के रूप में वर्णित करती है। हमारे यहाँ बसंत ऋतु नहीं है, बसंत ऋतु होने के साथ साथ वो हमारे जीवन का, वो हमारी सांसारिक तापों का हरण करने वाली एक शीतल बयार है। और कालिदास ने तो मेघदूत में जिस तरह से वर्षा का वर्णन किया है, उस वर्षा में यक्ष और यक्षिणी जिस तरह की अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करते हैं, ये तो प्रकृति के मानवीकरण से भी ऊपर ईश्वरत्व तक पहुंच जाता है। ईश्वर है क्या? यही है जिसे हम आत्मा से और मन से स्वीकार करते हैं, और जिस वस्तु को देखकर हमारा अंग प्रत्यंग खिल उठता है, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है, वही ईश्वर है, उसका आभास है। और पावस ऋतु का इससे बढ़कर सौंदर्य कालिदास से बढ़कर वर्णन कौन कर सकता है? आज भी जब पावस आती है तो पूरा भारतवर्ष और भारतवर्ष के लोग उस बारिश में झूम उठते हैं। वर्षा को शक्ति का रूप, बादलों को शक्ति का प्रतीक मान करके मन ही मन उनकी वंदना करते हैं। और जब बारिश न आए तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करने लगते हैं, हम मंदिरों में जाकर माथा टेकने लगते हैं कि हे ईश्वर, अब जल वृष्टि कर दो, हमारे लिए ही सही या हमारे लिए न सही, इस जगत में भूखे प्यासे बैठे जो पशु पक्षी हैं उनके लिए ही सही। और इस तरह से शुरू हो जाती है पावस की रसधार। ऐसे ही शरद ऋतु आती है, उसको भी हम एक विधि विधान से उसका स्वागत करते हैं। और शरद जो कार्तिक पूर्णिमा आती है या बैसाखी पूर्णिमा आती है, ये प्रकृति के चक्र का एक हिस्सा है। और क्योंकि हमारी संस्कृति प्रकृति के आंगन में ही पली है, प्रकृति के आंगन में ही पल बढ़कर बड़ी हुई है, तो हम आज भी हमारी संस्कृति का दर्शन इन ऋतुओं में, प्रकृति के विभिन्न उपादानों में, खिलते हुए फूल में, चहचहाते हुए पक्षियों में, बहती हुई कल तरंग करती हुई नदियों की धारा में, और कल कल छल छल बहते हुए झरनों में, हिमालय की जो जमी हुई बर्फ है उसमें, और चाहे गर्म हवा हो या ठंडी हवा हो, समुद्र हो या झील हो, ताल हो, इन सबको हम प्रकृति का ही प्रतीक नहीं मानते हैं, प्रकृति का वरदान मानकर जीवन दाता मानते हैं, और इनकी हम पूजा करते हैं, मन ही मन वंदना करते हैं। भारतीय संस्कृति में समय समय पर विभिन्न आघात हुए हैं। इन विभिन्न आघातों में यवन आए, हूण आए, मुस्लिम आक्रांता आए, मुगल आए, और अंत में ब्रिटिश आए। इन सभी ने अपने अपने उद्देश्य और स्वार्थ के वशीभूत होकर भारत पर आक्रमण किया, आर्यावर्त को नेस्तनाबूत करना चाहा, यहाँ की धन संपदा लूटी, यहाँ के लोगों में उत्पात मचाया। कुछ का स्वार्थ सिद्ध हो गया तो वो फिर से अपने देश चले गए, और कुछ लोग यहीं की फिजा में, यहीं के रंगो आब में इतने ढल गए, इतने रच बस गए कि
कि आज पता ही नहीं चलता है कि उस समन्वयशील संस्कृति में हम में से कौन मूलतः है और कौन अमूलतः है। इतना विशाल हृदय रखने वाली भारतीय संस्कृति और यहाँ बोली जाने वाली भाषाएं और पहनी जाने वाली वेशभूषाएं, परोसा जाने वाला स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन, सब कुछ इतना मिल गया है कि हमारे जीवन में अब हम इस संस्कृति को एक ही मानते हैं। भिन्न नहीं है, कुछ भी भिन्न नहीं है, सब अभिन्न है। और जो अभिन्न है वही भारतीय है, और जो भारतीय है वही हमारी संस्कृति है। और संस्कृति जो है वो हमें आज भी संस्कार दे रही है, परिष्कृत कर रही है, मांझ रही है। समन्वय में कर्म और धर्म का समन्वय है, और जयशंकर प्रसाद ने तो कामायनी में इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय करवाने की कोशिश की है और आनंद की प्राप्ति का रास्ता बताया है। और आनंद भी कहाँ, जहाँ भगवान शिव कैलाश का निवास स्थान है, वहां पर सतचित और आनंद, इनकी कल्पना करके हमें एक नवीन रास्ता दिखाया है कि इच्छा दूर कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, तीनों मेल एक न हो सके, यही विडंबना है जीवन की। क्योंकि प्राचीन भारत में इच्छा ज्ञान और क्रिया में समन्वय था, एकता थी, एक पद्धति के तहत तीनों का अनुपालन होता था, तो आनंद था। और आज भी जो ऋषि मुनि, जो व्यक्ति अपने जीवन में इन तीनों का समन्वय करके चलता है, उसके जीवन में आनंद ही है। वह प्रकृति का पुजारी ही है, वह ईश्वर के हर कण में ईश्वर देखता है, अपनी जीवन पद्धति देखता है। और भारतीय संस्कृति केवल संस्कृति नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है, जीवन जीने का एक तरीका है, ये अध्यात्म का एक ऐसा खजाना है जहाँ प्रकृति के कण कण में ईश्वर बसता है, और वहीं से ईश्वर के अनेक रूपों की हमने कल्पना की है। इतनी बड़ी और विराट, अजस्र, उज्जवल, पावन संस्कृति और कहाँ होगी। हमें गर्व है और गर्व होना चाहिए, हमेशा रहेगा, कि हम भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी जुबानें भले ही अलग हो, हम भले ही वैचारिक मतभेद के कारण कभी कभी अलगा जाते हों, लेकिन इस अलगाव में भी एक लगाव है, और वह लगाव बनाए रखती है हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति। हमारे यहाँ कर्म का महत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कर्म का संदेश दिया है, हमारे जितने भी वेद ग्रंथ, ऋचाएं, उपनिषद, आरण्यक, पुराण और दर्शन ग्रंथ हैं, उन सब में कर्म को महत्ता दी गई है। कर्म के बिना जीवन है ही नहीं, अगर काम ही नहीं है तो जीवन किसका। और कर्म है तो हमने उस विश्वास को, कर्म को भी ईश्वर से जोड़ कर देखा है, हमारे जन्म से जोड़ कर देखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत अच्छा निबंध है, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वाकई कर्म पुनर्जन्म पर आधारित है या पुनर्जन्म कर्म पर आधारित है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यही कारण है कि हमारी शाश्वत मृत्यु हो जाने के बाद भी हम किस जन्म या किस योनि में जन्म लेंगे, 84 लाख योनियां मानी गई है, उनमें से किस में जन्म लेंगे ये हमें नहीं पता है। फिर भी हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक अच्छे कर्म की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा पुनर्जन्म होगा या अगला जन्म होगा तो हमारे इस जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी मिलेगी। क्योंकि अगर हम अभी सुखी हैं तो पिछले जन्म के जो पुण्य है, अच्छे कर्म हैं, उनकी वजह से हैं, और अगर दुखी हैं तो शायद पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे काम नहीं किए होंगे, कुछ
अमानुषी काम किए होंगे, कुछ अकल्याणकारी कार्य किए होंगे, हमारे जीवन जीने के तौर तरीके समाज विरोधी और देश विरोधी रहे होंगे, जिसकी सजा हमें इस जन्म में दुख के रूप में मिल रही है। कितना मनोहारी, अपरिहार्य और दिल की गहराइयों को छू लेने वाला निबंध है ये, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधना अवस्था और साहित्य में लोक मंगल की सीता अवस्था, ये जो आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं, श्रद्धा और भक्ति, ये जो मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं, ये जब गहराई से अध्ययन करते हैं हम, तो पता चलता है कि श्रद्धा और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। श्रद्धा जागरण है तो भक्ति विश्वास, या भक्ति जागरण है तो श्रद्धा विश्वास, कहीं कैसे भी कह लीजिए आप, जीवन कहीं ना कहीं विश्वास के बल पर चलता है। वह विश्वास हम अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति रखते हैं, हमें जीवन दान देने वाली प्रकृति में रखते हैं, हमें जीवन की शिक्षा देने वाले आचार्यों में रखते हैं, और वह विश्वास हम पग पग पर गलत कार्य न करें ऐसे प्रेरक तत्वों के प्रति रखते हैं, और यही विश्वास अध्यात्म से जुड़ जाता है, दर्शन से जुड़ जाता है, तत्व से जुड़ जाता है, जो कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, कितने प्रसंग ऐसे हैं जो हमें वास्तव में हमारी संस्कृति को आपस में जोड़े हुए रखते हैं। हमारे यहाँ पारिवारिक और सामाजिक मर्यादा हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा मानी गई है। आज भी हम जीवन में जितने भी संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों का पालन करते हैं। हमारे यहाँ 7 संस्कार हैं और ये संस्कार हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। पुंसवन संस्कार, गर्भधारण संस्कार, जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, पाणि ग्रहण संस्कार और अंतिम संस्कार, यानी हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, हमारी शिक्षा दीक्षा सब कुछ संस्कारों से होती है। भले ही उसका नाम आधुनिक संदर्भ में नया पड़ गया हो, लेकिन बिना संस्कारों के तो हमारा जीवन चलता ही नहीं है, हम माने या न माने। भले ही अंग्रेजी शिक्षा के कारण आज हम जीवन यापिका के लिए या जीवन यापन करने के लिए प्रौद्योगिकी और विज्ञान की तरफ भाग रहे हैं, और ये समय की मांग है, ये भारतीय संस्कृति ने सहर्ष अपनाया है इस विज्ञान और तकनीक को, लेकिन कुछ ज्यादा ही आधुनिकता के कारण आज हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, और ये परंपराएं, ये मान्यताएं धीरे धीरे ढल रही है, इनकी जड़ें कट रही है। और अगर ऐसा है तो कटी हुई जड़ों वाला पेड़ कभी हरा नहीं हो सकता, और हरा रहा भी तो वो सघन छाया नहीं दे सकता, और सघन छाया दी भी तो फल और फूल आना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सीधा सा संदेश है कि हम जीवन जिए, आधुनिक जीवन जिए, लेकिन आधुनिक जीवन के साथ साथ हमारी जो मूल जड़ें हैं, हमारी जो पैतृक अच्छी परंपराएं हैं, जो हमारी ऋषि मुनियों द्वारा निर्धारित जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति का अनुपालन जरूर करते रहें, क्योंकि अनुपालन करने में अनुकरण होता है, और अनुकरण हमेशा अच्छी वस्तुओं का किया जाता है। अब हम ये अलग बात है कि शहरों की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अंधा अनुकरण कर रहे हैं, और हमारी जो आध्यात्मिक दार्शनिक संस्कृति है उसको थोड़ा पीछे धकेलते हुए हम भौतिकवादी संस्कृति की तरफ भागते चले जा रहे हैं। हमें नहीं पता है कि हम अपनी भाषा, हम अपनी वेशभूषा, हम अपने खान पान, हम अपने उठने बैठने के तरीके, बोलचाल के तरीके, सब कुछ में आधुनिकता चाहते हैं, पाश्चात्य जीवन जैसा जीवन चाहते हैं, और उसे ही हम सभ्यता का प्रतीक मान रहे हैं। जबकि विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं,
आज जितने भी विचारक हम पढ़ते हैं वो सब विचारक और वर्तमान में जितने भी विचारक विकसित हो रहे हैं वे सब मूलतः कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जो मूल विचार हैं, कल्याणकारी विचार हैं, जो भारतीय संस्कृति की जो अध्यात्मवादी दार्शनिक विचारधारा है उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक उदाहरण हम ले सकते हैं फादर कामिल बुल के, जो यूरोप के रहने वाले थे, भारत में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, लेकिन ईसाई धर्म का प्रचार करते करते वो यहाँ की प्रकृति, यहाँ के लोगों के स्नेह भाव, यहाँ की आदतें, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का खान पान, लोगों के दिनचर्या, इन सब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना मूल देश ही छोड़ दिया। और यहीं कलकत्ता में जो ईसाई मिशनरीज है वहां से धीरे धीरे हिंदी सीख करके हिंदी में पढ़ाई करने लगे। फिर झारखंड में प्रोफेसर बने और धीरे धीरे एमए के पश्चात उन्होंने पीएचडी की। और पीएचडी आप जानते हैं कि किस विषय पर की उन्होंने? राम कथा उत्पत्ति और विकास। ये भारतीय संस्कृति का समर्थन करने वाला और भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाला, हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम और गहरी आस्था उत्पन्न करने वाला, राम को सनातन धर्म के रूप में स्थापित करने वाला, किसी विदेशी द्वारा लिखित पहला ऐसा ग्रंथ है, शोध कार्य है, जिसमें राम कथा की उत्पत्ति और विकास को पूरी तरह से वैदिक आचरण से लेकर के आधुनिक आचरण तक दिखाया गया है। जब ये शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ तो हिंदी के जो प्रकांड विद्वान थे भारतीय, उन्हें भी अपनी ज्ञान चक्षुओं से ये देखना पड़ा और ये सहर्ष स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, फादर कामिल बुल्के ने जो काम किया है वो वाकई लाजवाब है। इसके बाद वाराणसी में अभी विदेशी रह रहे हैं, सर वाल्टर स्कॉट। वो एक पत्रकार हैं, फ्रीलांसर पत्रकार हैं, कभी कभार ही राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी पर नजर आते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा, रहन सहन, उठने बैठने का तरीका है ये पूरी तरह भारतीय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जीवन पद्धति और भारतीय होने के नाते हमें यूरोपियन पद्धति या पाश्चात्य जीवन शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहिए, अंग्रेजी या वहाँ की जो वेशभूषा है, खान पान का तरीका है, उसे नहीं सहन करना चाहिए, ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसे स्वीकार करने के साथ साथ हमारी जो अच्छाई है जिसके कारण हम पूरे विदेशों में पूजे जाते हैं, भारतीयों को एक अलग सम्मान और तरजीह से देखा जाता है जिसमें समन्वय की विराट चेष्टा है, तो हम उन्हीं ऋषि परंपरा के, उन्हीं पैतृक परंपरा के वंशज हैं। हमारे अंदर भी वही खून प्रवाहित हो रहा है जो समन्वय की विराट चेष्टा लेकर के आज दिन तक चला आ रहा है। तो हम अपने अंदर भी अनेक भाषाओं का ज्ञान, अनेक देशों की वेशभूषा, खान पान और रीति रिवाज, उठने बैठने के तौर तरीके सब कुछ रखें, लेकिन हमारी जो मूल पहचान है उसे जरूर बनाए रखें। हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जो वैज्ञानिक सोच पर आधारित चिकित्सा पद्धति के जो जितने भी ग्रंथ हैं, हम उनको नए नजरिए से आधुनिक जनता के सामने रखें, भारत के सामने रखें, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इनके बिना हम अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते हैं। कहना अलग बात है और करना अलग बात है, यानी कथनी और करनी दोनों में अंतर होता है। थोड़ा बहुत फर्क चल सकता है, लेकिन कथनी और करनी में
बहुत कुछ समानता होनी चाहिए और हमारे अंदर होती है आज भी। अगर हम ठेठ गांवों के दर्शन करने जाएं या ठेठ गांव से हम में से अगर कोई रहने वाला है तो वो बेहतर तरीके से जानता है कि नदी क्या है, तालाब क्या है, खेत क्या है, खलिहान क्या है, और कैसे तुलसी की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, पेड़ की पूजा होती है, नाग तक की पूजा होती है। अब विश्व में ऐसा कोई देश है जो विषैले जानवर की पूजा करता हो, लेकिन हाँ, इससे सिद्ध होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने विष यानी समाज कंटक जो तत्व थे उन्हें भी अपना बनाने में कोई और कसर नहीं रखी। और हम अज्ञेय के शब्दों में कहें तो आधुनिक शहरों में रहने वाले वे सांप धीरे धीरे बनते जा रहे हैं जिन्हें पाश्चात्य ढंग से डसने की कला आने लगी है, और यह डसना हम अपने ही विनाश के लिए शुरू कर रहे हैं। अच्छी बातें सब जगह हैं, शहरों से लेकर गांवों तक में, भारत से लेकर के यूरोप तक, हम उनको अपनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संस्कृति के अनेक प्रश्न हैं, अनेक विचार हैं जिन्हें हमें सोचना चाहिए और हमारी जानकारी में वे रहने चाहिए, लेकिन उनके जो उत्तर हैं वो हमारी जड़ों में जाकर ढूंढने की आवश्यकता है। हमें विदेशी संस्कृति या विदेशी सरजमीन पर जाकर के उनके उत्तर खोजने की जरूरत नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में ही मिले ये आवश्यक नहीं है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं तो 8वीं अनुसूची में अधिकृत है, उसमें लिखा गया जो भी ज्ञान विज्ञान का साहित्य है उसमें हम ढूंढ सकते हैं, और जब ढूंढ सकते हैं और उसमें उत्तर हमें पता है कि पूरी तरह से निहित है, तो फिर हमें जो है ढूंढना अवश्य चाहिए। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत से ऐसे विचार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे पता है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति संस्कृति पर अपने विचार बेहतर तरीके से रख सकता है, और रखने का अधिकार भी है और रखना भी चाहिए। लेकिन जब हम विचार करते हैं, जब हमारी विचारणा शुद्ध होगी, जब हमारी सोच शुद्ध होगी और वह प्रगतिगामी होगी, तो उस प्रगतिगामी सोच में हमारी संस्कृति हमेशा संरक्षित रहेगी। हम खूब आधुनिक बने, भारत आज आधुनिकता के मामले में किसी देश से कम नहीं है, हम भी उसका हिस्सा हैं, हम भी आधुनिक हैं, लेकिन आधुनिकता विचारों में होनी चाहिए। आधुनिकता हमारे जो लहजे हैं बोलने के, हमारे जो विचारों के आदान प्रदान के तौर तरीके हैं उनमें झलकनी चाहिए, हमारी जीवन पद्धति है उसमें झलकना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि सूट बूट में खड़ा हुआ व्यक्ति बहुत ज्यादा संस्कृत और सभ्य हो। ठेठ जंगल से मधुमक्खी का छज्जा तोड़कर रस भर कर बाल्टी में रस भर कर लाने वाला व्यक्ति भी सभ्य हो सकता है, और वो हमसे ज्यादा संस्कृत होता है, ज्यादा शुद्ध होता है, ज्यादा आत्मिक होता है, ज्यादा प्राकृतिक होता है, क्योंकि वो प्रकृति के नजदीक है, उसमें छलावा नहीं है, उसमें शुद्धता है, और जीवन जितना मांगता है उस जीवन की मांग की आपूर्ति करने की उसकी एक जिद है, संघर्ष है, जिजीविषा की प्रवृत्ति है, और यही जिजीविषा की प्रवृत्ति ठेठ भारतीय संस्कृति की पहचान रही है। हमें भले ही समय समय पर अलग अलग लोगों ने ये कहा हो कि भारतीय संस्कृति तो अंधविश्वासों की संस्कृति है, भारत के लोग अंधविश्वास के बल पर जीते हैं, लेकिन ये अंधविश्वास हमारी संस्कृति में अंधविश्वास की तरह विद्यमान नहीं रहा है, ये उनके सोचने का तरीका है, हमारी जीवन पद्धति नहीं है। अगर हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं और वो हमें शुद्ध हवा दे रहा है, फल दे रहा है, फूल दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, जीवन दे रहा है, तो हम अपना जीवन उसके सहारे चला रहे हैं, हमारे सहारे वो नहीं चल रहा है। और जब तक हमारी ये सोच थी तब तक तो हमें शुद्ध हवा मिलती रही। अब
आज शहरों में क्यों इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, क्यों प्रकृति बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, क्यों गो ग्रीन कहा जा रहा है। वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके भाषण देना अलग बात है, और हमारी संस्कृति के हिस्से की पेड़ की रक्षा करना बिल्कुल अलग बात है। ये पर्यावरणीय चेतना हमारे अंदर जागृत हो, हम अपने पर्यावरण में बसे हुए ईश्वरत्व को जानें, हम आपसी भाईचारे और सहयोग से रहें, हम जीवन पद्धति को बखूबी जीते हुए दूसरों को भी जीने का मौका दें, तो यही संस्कृति हमें सिखाती है, और हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इसी परंपरा को हमें सिखाया है, और इसी को हमें आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है जो विचार मैंने रखे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का उनसे कोई ताल्लुक न हो, विरोधाभास हो, और विरोधाभास हो भी सकता है और होना भी चाहिए, उसी से वाद प्रतिवाद की क्षमता विकसित होती है, और संस्कृति की सिर मूर्ता को धारण करने वाले जितने भी अच्छे विचार हैं उनको स्थापित करने का अवसर मिलता है। तो मैं समझता हूँ मेरे विचारों से आप अवगत होकर सहमति असहमति रख सकते हैं, वो मुझे शिरोधार्य है। फिर से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर मिश्रा जी का मैं हृदय से आभार जताता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, अवसर दिया कि हमारी संस्कृति पर मैं अपने विचार रख सकूं, और ये विषय क्योंकि मुझे ही चुनना था तो मैंने इसको चुना, और चुन करके जो विचार रखे हैं वो आपके सामने रूबरू होंगे, और आप रूबरू हो रहे हैं। आप भी विचारों से शुद्धतावादी होकर के अपनी संस्कृति के संरक्षक बने रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।